स्टूडेंट्स वेलकम बैक. रिम्यू पेज नंबर 26. फाइंड द सम. फाइंड द सम में हमको ऐड करना है, बट इसके अंदर हमको सिंगल नंबर से यहाँ ऐड करना है और यहाँ हमको टेंस को ऐड करना है. ये यूनिट हो गया हमारा, यानी फर्स्ट नंबर जो होता है यूनिट होता है, सेकंड नंबर हमारा टेंस होता है. तो टेन और यूनिट को हमको ऐड करना है. पहले हमने स्ट्रिंग्स बनाए थे, अब हमको स्ट्रिंग नहीं बनाना है, डायरेक्टली ऐड करना है. 5 + 3 हमको क्या करना है, अगर आपको नहीं आता है तो उसी तरह से आपको सिंगल सिंगल नंबर्स को लिखना है. सॉरी, सिंगल बॉल्स बनाओ. जैसे 5 है तो यहाँ 5 बॉल्स बनाओ और यहाँ 3 है तो 3 बॉल्स बनाओ. ठीक है, तो 5 और 3 कितने होते हैं? 5 + 3 तो यह 1, 2 और 3. 5 के बाद से काउंट करो, 6, 7, 8. यहाँ क्या आएगा? 8. उसी तरह 5 + 3 सेम नंबर है तो यहाँ भी क्या आएगा? 8. अंडरस्टूड? नेक्स्ट 7 + 1 7 है और यह 1 है. 7 के बाद काउंट करो, 8. यहाँ 3 और 2 है, 2 नीचे के बॉल्स बनाओ, 1, 2. 3 के बाद से काउंट करो, 4, 5. 58. नेक्स्ट है 4 + 2 2 बॉल्स बनाओ. नीचे वाला जो नंबर रहता है उसके बॉल्स बनाना है, ऊपर वाले नंबर्स के बाद से काउंट करना है. जैसे हमने पहले के लेसन में हमने कैरी फॉरवर्ड की, सॉरी काउंटिंग फॉरवर्ड की है, उसी तरह करना है हमको. 4, 5 और 6 8 और 1 8 के बाद क्या आता है? 9. अंडरस्टूड? नेक्स्ट है 4 + 5 1, 2, 3, 4, 5 आफ्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 + 4 1, 2, 3, 4 3 के बाद से काउंट करो, 4, 5, 6, 7 नेक्स्ट यूनिट वाला 3 और 4 है हमारा, तो 4, 1, 2, 3, 4 3 के बाद से काउंट करो, 4, 5, 6, 7 2 + 4 4 बॉल्स बनाना है हमको. यहाँ जो नीचे वाला नंबर्स रहेगा हमको उसके बॉल्स बनाना है और ऊपर वाले नंबर के नेक्स्ट नंबर से काउंट करना है. तो ऊपर वाला नंबर कौन सा है? 2. तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6. अंडरस्टूड?